सो जॉन एंड अभिषेक बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्जेशन में। ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग है, काफी लोगों को पसंद आया। हमने ट्रेलर लॉन्च फिल्म में आया था काफी। आपका जो रोल है लगता है जितने भी आप रोल निभाए हैं अपने एक्शंस को या पर्सनली तो बहुत पसंद करते हैं आर्मी के कैरेक्टर सोल्जर के, ये जो रोल है काफी प्रॉमिसिंग रहा है आपके जी। इनफैक्ट स्टोरी बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है और इसमें मैं आर्मी में नहीं हूँ, मैं एक जूनियर ब्यूरोक्रेट हूँ जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काम करता हूँ। लेकिन आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट फिल्म, क्योंकि जे एंटरटेनमेंट जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, ज़्यादातर हम लोग नॉन फार्मूला फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये अभिषेक इसी रूम में आए थे मुझे ये आइडिया सुनाने, मुझे बहुत ही पसंद आई और हम दोनों ने सोचा कि व्हाई हैवंट वी मेड अ फिल्म लाइक दिस बिफोर। और फाइनली आई मीन थैंक्स टू अभिषेक, और क्रेडिट इन्हें देना चाहता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि फिल्म का हीरो हमेशा स्क्रिप्ट और डायरेक्टर होता है एंड आई थिंक ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब विद दिस फिल्म। अभिषेक, व्हेयर द थॉट्स कम टू यू, लाइक कब सोचा आपने कि लाइक एक फिल्म बनानी चाहिए एक रियल स्टोरी ऑन बेस ऑफ परमाणु की बात करें हम, तो कब ये आप ख्याल आया? आई थिंक 3-4 साल पहले आया था। मुझे हमेशा से ये मुझे गर्व तो था ही क्योंकि मैं 1998 में मेरे सामने हुआ था ये, तब मैं मात्र 20 वर्ष का था। लेकिन 3-4 साल पहले कोई एक आर्टिकल था जिसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ था दिमाग में कि इस पर फिल्म क्यों नहीं बनी है, क्योंकि आई थिंक आर्टिकल इस बारे में था कि कैसे इंडिया ने अमेरिकन सेटेलाइट्स को चकमा दिया था और बहुत पावरफुल सेटेलाइट्स थी जो 24 घंटे पोखरण पर नज़र रखती थी, निगरानी रखती थी। तो अपने आप में वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। द फर्स्ट थिंग वॉज कि थ्रिलर था ये, और उसके अलावा क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में आई थिंक एक बहुत बड़ी घटना रही है ये और बहुत प्राउड मोमेंट रहा है, तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे लगा कि ये फिल्म बनानी चाहिए। एंड जैसा जॉन ने बोला कि यू नो मैं इनके पास आया और मैंने इनको पिच किया ये स्टोरी, मेरे पास सिर्फ 10 पेज थे तब, मैंने पूरा स्क्रीन प्ले लिखा नहीं था, उनको बहुत पसंद आया एंड देन इमीडिएटली वी स्टार्टेड। जॉन, जैसे ये रियल कहानी है और बहुत सीरियस भी है, काफ़ी सेंटीमेंट्स और पॉइंट्स को ध्यान में रख के शूट किया गया, और क्या क्या ध्यान रखा आपने? एसबीएन अटल बिहारी वाजपेयी भी थे उस टाइम, अब्दुल कलाम भी थे, तो क्या क्या आपने ख्याल जी? पहले तो हमने जितना भी रिसर्च किया उसको हमने इंटैक्ट रखा, तो दिस फिल्म इज़ अबाउट 80-85% फैक्चुअल। इसमें जो फिक्शनल चीज़ है वो मेरा कैरेक्टर है जो फिक्शनल है, मेरे अलावा कलाम साहब का नाम या चिदंबरम जो उस वक्त पे साइंटिस्ट थे, काकोडकर साहब, जितने सारे लोग थे इन्वॉल्व इस मिशन में, उनका नाम हमने चेंज किया बिकॉज यू गेट इनटू अ बायोपिक इश्यू, राइट्स इश्यू, तो नाम चेंज किए। बट द फिल्म इज डेडिकेटेड टू कलाम साहब एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट इट इज डेडिकेटेड टू हिम एंड ऑफकोर्स वाजपेयी जी हु एक्चुअली प्लान द बोथ ऑफ देम हु प्लान दिस टुगेदर। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इट इज मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंस के बाद अगर एक डिफाइनिंग इवेंट था इंडिया में, इट इज द पोखरण टेस्ट दैट हैपेंड इन 98। और इनफैक्ट खेतौली गांव में, आई डोंट नो वेयर, योगी हमारे लाइन प्रोड्यूसर गए थे वहाँ पे, किसी ने एक आदमी से वहाँ पूछा कि टेस्ट के टाइम पे तो ये आप, उसने कहा मेरे दीवार टूट गए, सो योगी ने कहा दीवार टूट गया, रेडिएशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ, वॉट एवर, एंड दिस योगी टोल्ड मी दिस एंड ही सेइंग ये फिल्म में होना चाहिए एंड ही सेइंग दीवार टूट गया लेकिन इंडिया तो बन गया ना, सो जस्ट इमेजिन द सेंस ऑफ प्राइड। तो आई थिंक दिस प्राइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसलिए हमने ये फिल्म बनाई कि हर यंगस्टर, जैसे आपके जो कैमरा मैन है आपके पीछे, शायद उनको भी पता नहीं कि 20 साल पहले ऐसे टेस्ट हुए थे और कैसे हुए थे, लेकिन जब भी वो फिल्म देखेगा ही विल फाइंड इट वेरी एंटरटेनिंग, एंग्रॉसिंग, ही विल से यार ये तो थ्रिलिंग फिल्म है, एंड में उसे पता चलेगा कि यार दिस आल्सो ट्रू स्टोरी। सो आई थिंक द वे, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ ये स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और अभिषेक ने जिस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया है, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक जॉब डन। बहुत मुश्किल काम है एंड आई थिंक ओनली अ डायरेक्टर कैन डू दैट। एक्टर तो घोड़ा है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, डायरेक्टर जॉकी है एंड आई थिंक ही इज टेकन अस ऑल इन द राइट डायरेक्शन। की बात की जाए तो बहुत, मतलब जो कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। अभी तक
बॉलीवुड के किसी और किसी ने क्यों नहीं सोचा ये, और आपने ही मतलब आपने तो सोचा ये पहले किसी ने, क्योंकि जितनी भी रियल स्टोरी बनी है, कोई बायोपिक बन रही है, ये जो स्टोरी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया को जानने के लिए, उसकी स्टोरी को जानने के लिए। नहीं मुझे लगता है ये डेफिनेटली जॉन ने बोला, हमारे दिमाग में भी आया था कि भाई इस पर बनी क्यों नहीं पिक्चर 20 साल से। मेरे को लगता है उसका एक अहम कारण ये रहा है कि जैसे मैंने बोला बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, इस एक कहानी के अंदर बहुत कहानियाँ हैं। एक तो ये कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे आपने उन बमों का निर्माण किया बिना किसी बाहरी मदद के, उसके अलावा ये कि पॉलिटिकल माहौल क्या था, उसकी जो पॉलिटिक्स थी जी, और इवन जो पॉलिटिक्स थी उसकी, उसके अलावा ये भी कि अमेरिकन सेटेलाइट्स को कैसे चमका दिया, चकचकमा दिया, वो जो एक थ्रिलर पॉइंट ऑफ व्यू है उसका, बहुत सारी कहानी है। लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट ये है कि इसको फिशन फ्यूजन हाइड्रोजन बॉम्ब, इस पूरी टेक्नोलॉजी को कैसे आप बताओगे सिंपल वे में, उसको कैसे आप एंटरटेनिंग एंड ग्रॉसिंग बनाओगे। मेरे ख्याल से यही कारण था शायद जिसकी वजह से किसी ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया हो, क्योंकि रिसर्च जब वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसका इंटरेस्ट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और साइंस में। लकीली मेरा है तो मैंने किया और फिर मुझे उसमें एक वो सूत्र मिल गया जहाँ मेरे को दिखा कि ये एंटरटेनिंग फैक्टर और ये इसकी मुख्य कहानी होगी, जो है अमेरिकन सेटेलाइट्स को हमने कैसे चकमा दिया, और जॉन के कैरेक्टर का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। उसके अराउंड फिर बाकी चीज़ों को पिरोया गया, बट हाँ बोलने में आसान लगता है, करने में मुश्किल था, बट टीम का सहयोग था, जॉन का सहयोग था, तो हम ये कर पाए। जॉन, हम ये भी सुना है हमने कि आपने काफ़ी बहुत ख्याल रखा अपने यूनिफॉर्म को पहनने का और स्टाइल चलने का, और मुस्टैक भी आपने बहुत ऑन लोकेशन पे भी नाम बताया था अपने किसी अश्वत रैना, जी जी, उन्होंने आपको ट्रेन किया है। हाँ नहीं करल उस वक्त पे वो थे एंड ही वाज आल्सो अ कंसल्टेंट ऑन आवर फिल्म, तो मतलब बेरे पहनते समय कैप पहनते समय ही वुड इधर आ ऐसे पहन, तो ही डिडंट केयर, ही डिडंट केयर, ही वाज लाइक टू द पॉइंट, तो वो मुझे हम लोग को बहुत अच्छा लगा क्योंकि एटलीस्ट आपको सेफ लगता है कि ये आदमी को सब कुछ पता है, मतलब आर्मी के बारे में। फेल गुड अबाउट इट। एक कैरेक्टर वो, ये जो कैरेक्टर हैं इनको काफी पसंद किया उन्होंने। हाँ, विकास को। हाँ, मेजर प्रेम का कैरेक्टर निभाया उन्होंने, उनको कहीं ना कहीं क्योंकि एक यंग मेजर थे एंड उस समय आई थिंक कर्नल शर्मा भी मेजर ही थे, तो उन्होंने अपने आप को कहीं देखा इस कैरेक्टर में, और यू नो विकास ने बहुत अच्छा निभाया इस कैरेक्टर, और हम लोग एक शॉट में तीनों चल रहे थे तो वो हमने कहा कि सारे सल्यूट करेंगे, जैसे नहीं नहीं तुम लोग मत करो, तुम करो मेजर प्रेम, तुम करो बस, तो ही वाज द इंपॉर्टेंट गाय, सो इट्स जस्ट गुड। पिक्चर की बात करें तो पिक्चर जितने भी हमने देखी है, अभी पिक्चर आई है सोल्जर्स और इस तरह की पिक्चर को लेके, ये किसी पाकिस्तान एंटी पिक्चर, एंटी पाकिस्तान पिक्चर नहीं है, किसी दर्शा रही नहीं है, वहाँ पर भी 300 स्क्रीन में रिलीज हो रही है पिक्चर, ये तो लगता है काफ़ी रिश्तों को काफ़ी जुड़ सकता है, लाइक मिला सकते हैं इंडिया पाकिस्तान को लेकर ऐसा। नहीं, दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन इंडिया, तो इट्स वेरी क्लियरली एन इंडिया फिल्म, ये कोई एंटी पाकिस्तान एंटी चाइना एंटी अमेरिका फिल्म नहीं है, लेकिन ये प्रो इंडिया फिल्म है, क्योंकि ये उस वक्त पे ये कहना बहुत ज़रूरी था उस वक्त पे 98 में, और हम अभी कह रहे हैं 20 साल बाद कि यू नो हमें उस वक्त पे मदद की ज़रूरत थी, देर वॉज नो वन टू हेल्प अस। उस वक्त पे पाकिस्तान का जो एलाई था वो अमेरिका था, हमारे पास यूएसएसआर नहीं था क्योंकि यूएसएसआर था ही नहीं उस टाइम पे, 17 स्मॉल स्टेट्स इट वाज ब्रोकन इनटू, देयर वाज रशिया बाय द, सो वी हैड नो हेल्प, तो हमें सस्टेन करना बहुत ज़रूरी था एंड दैट्स व्हाई वी हैड टू डू दिस। तो ये इंडिया की कहानी है और हमने इंडिया का स्टोरी बोला है बस, वी आर नॉट हियर टू बैश एनीबडी एल्स, वी आर हियर टू जस्ट, हमें एक एंगेजिंग कहानी बनानी है बस, सिंपल। और जैसे पाकिस्तान जब हमने टेस्ट किया तो इंस्पायर हुआ था चाइना से बॉम्ब्स लेके टेस्ट करने के लिए, तो वैसे आई होप कि पिक्चर को देखने के बाद वो इंस्पायर हो अपनी खुद की परमाणु बनाने में। या पॉसिबली, सो ठीक है, आई मीन हमारा फोकस पाकिस्तान नहीं है जैसे मैंने बोला, ना चाइना है ना अमेरिका है, फोकस इंडिया है। और किसी को पिक्चर दिखाने का स्क्रीनिंग में आपके दिमाग में क्या लगा? आई थिंक डेफिनेटली हम हमारे सोल्जर्स और साइंटिस्ट को, हमारे BRC DRDO के जितने लोग हैं उनको हम दिखाना चाहते हैं फिल्म, लेकिन क्योंकि इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सीज थे और हमारे पास हमें बहुत कम टाइम मिला है प्रमोशन के लिए,
we will show as many people as possible. Thanks to Bombay High Court also. Yeah, yeah, we are very thankful to the Honorable High Court of Mumbai for actually, and Judge Kathawala for, you know, giving a decision in our favor. So we believe in the judiciary system. Lastly, jaate jaate apne viewers ko picture ke release date ke baare mein. जी परमानु मई 25th को रिलीज़ हो रही है. वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म. ये एक बहुत ही अलग कहानी है, एंटरटेनिंग है, दो घंटे की फिल्म है. इट्स फैंटास्टिक एंड एवरीबडी इज गोइंग टू लव इट. सो प्लीज़ गो वॉच इट. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू.